नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। शांतिपूर्ण माहौल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ संपन्न। कड़ी सुरक्षा के बीच छठे चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। 4 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी आने पर वैलिड यूनिट बदला गया। मतदान को लेकर मतदाताओं में हर्ष व्याप्त था, जिस कारण 50% मतदान हुआ। मतदान निर्धारित समय से प्रारंभ हुआ, लेकिन शुरू में मतदाताओं की संख्या कम रही, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा लोग अपने अपने घरों से निकले, जिसमें पुरुष के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी और अपने अपने बूथों पर पहुँच मताधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम और वैलेट बॉक्स में बंद कर दिया। कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर और मतगणना के बाद तय होगा। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथों को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के अलावा बोगस वोटरों को रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन कार्य भी किया गया। साथ ही वरीय अधिकारियों की वाहनों भी लगातार मतदान केंद्रों पर गश्त लगाती दिखी। दूसरी तरफ दिव्यांग और वृद्ध मतदाता भी मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो नए मतदाता हर्ष के भाव से ओतप्रोत थे। इस बाबत तरनिया गाँव स्थित मतदान केंद्र संख्या 208 पर पहली बार मतदान करने आई बीकॉम की छात्रा वर्षा कुमारी, मुशर्रत प्रवीण और अंजू कुमारी और छात्र तबरेज आलम आदि का कहना था कि पहली बार मौका मिला है अपने पसंद के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने का, जिससे काफी खुशी मिल रही है। वहीं चुनाव का असर शहर और बाजार पर भी पड़ा। शहर स्थित दुकान और बाजारों में महापर्व दीपावली और छठ को लेकर आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ रहती थी, परंतु आज दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों को खुली तो खुली थी, लेकिन खरीदार नदारद थे। लोगों के कम आवाजाही से सड़कों पर सन्नाटे की स्थिति बनी रही। लाइव टीवी समाचार के लिए चकिया से सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट। नाम क्या हुआ बाबू? कैसा अपने को फील कर रहे हो? गर्व हो रहा है, वोट देने गर्व हो रहा है। चले कि सबने खुशी, तुमको गर्व हो रहा है। पहली बार वोट दे रही है, कैसा लग रहा है वोट देने? कोई डर? अच्छा महसूस कर रही है, प्रथम माने गर्व। गर्व है कि खुशी महसूस हो रही है? मताधिकार का प्रयोग कर गर्व महसूस नहीं हो रहा? ये पूछिए, सवाल ये पूछिए ना, क्या सोच के मत का प्रयोग कर रही है, किसको माने कर रही है, कैसे माने? इनको नहीं पूछ। हां, साफ सुथरे प्रत्याशी को कैसे माने? सुनने का मौका मिला है पहली बार। पहली बार एग्जाम दिए नमो इत्यादि। क्या नाम हुआ? प्रथम बार वोट दी है, कैसा महसूस कर रही है वोट देकर? क्या तो पहली बार मौका मिला है अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए, इसलिए खुशी हो रही है ना? फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।